दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमारा जो डीडी फ्रीडीज का सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर हम डीडी मणिपुर चैनल को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल और सही तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों इस चैनल को आप आसानी से ऐड कर पाएंगे अपने सेटअप बॉक्स में। तो यहाँ पर इस चैनल को हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो सबसे पहले हम रिमोट का मेन्यू बटन दबाएंगे और मेन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एंटीना सेटिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टीपी लिस्ट के अंदर जाकर एक फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटीना सेटिंग्स में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीना सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपको सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेना है डीडी फ्रीडीज का। उसके बाद में यहाँ पे एलएनबी पावर को ऑन कर लेना है। एलएन फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे यूनिवर्सल एलएन फ्रीक्वेंसी 9750 से 10600 वाले यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद में यहाँ पे डीसी क्यूसी को ऑफ कर देना है। टीपी के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। स्टार सर्च के अंदर यहाँ पे सैटेलाइट ब्लाइंड स्कैन या फिर सुपर ब्लाइंड स्कैन या फिर ऑटो स्कैन में से कुछ भी कर सकते हैं। और सिंपली सेटिंग को सेव कर लेना है। यहाँ पे रिमोट का मेन्यू बटन दबा करके हमको सिंपली बैक आ जाना है। और यहाँ पर आप टीपी लिस्ट के अंदर चलेंगे, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रीक्वेंसी ऐड कर रखी है 11630 वर्टिकल 30000। इसी फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मेरे रिमोट के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे रिमोट का ग्रीन कलर का बटन दबाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ऐड करने का मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर 11630 हमको कर देना है। पोलरिटी में एच की जगह वी कर देना है। सिंपल रेट में यहाँ पे 30000 कर देना है। और प्रेस ओके पे आके रिमोट का सिंपली ओके बटन दबा देना है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से बैक हो लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखी है। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी के ऊपर चैनल को स्कैन करना है। तो चैनल स्कैन करने के लिए सिंपली मेरे रिमोट के अंदर ब्लू कलर का बटन दिया गया है। तो जैसे मैं ब्लू कलर का बटन दबाऊंगा रिमोट का, तो मेरे यहाँ पे टीपी सर्च का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे एफटी ओनली के अंदर यस करके रखेंगे। टीवी रेडियो के अंदर हम यहाँ पे टीवी करके रखेंगे और सर्च पे आके रिमोट का ओके बटन दबाएंगे तो ये चैनल हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर जो चैनल है हमारा वो भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये चैनल हमारा कहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 11 नंबर पे डीडी मणिपुर चैनल हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी मणिपुर चैनल को डीडी मणिपुर चैनल को अपने सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।